आज का हमारा ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि हम बात करेंगे फिल्म गबरू के बारे में। क्या हुआ, फिल्म गबरू का नाम सुनते ही आप ये तो नहीं सोचने लगे कि ये वही फिल्म है जिसका भोजपुरी में जोरों शोरों से लॉन्च हुआ था, जिसे कहा जा रहा था भोजपुरी की ये एक लीक से हटकर फिल्म है। लेकिन अचानक से इस फिल्म का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, पता नहीं ये फिल्म बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो हम आपकी सारी क्यूरियोसिटी को एक साथ शांत करेंगे और बताएंगे कि फिल्म गबरू को लेकर आजकल जो अफवाहें मार्केट में फैली हैं वो कितनी सच है और कितना फसाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं फिल्म गबरू के बारे में। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ और इस मोशन पोस्टर को देखकर सभी ने कयास लगा ही लिया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री की लीक से हटकर फिल्म बनने जा रही है। और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, संजय पांडे जैसे दमदार एक्टर हैं। इससे आगे बात करते हुए, फिल्म का जब मोशन पोस्टर रिलीज हुआ तो इस मोशन पोस्टर को देखकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि फिल्म मनुष्यों द्वारा जानवरों के घर यानी कि जंगलों के अतिक्रमण पर है। किस तरह से मनुष्य जानवरों के घर में दिन प्रतिदिन दस्तक देता जा रहा है। दस्तक क्यों कह रहे हैं हम, दस्तक बहुत ही एक छोटा शब्द है, कब्जा करते जा रहा है। जिस तरह से दिन ब दिन मनुष्य द्वारा जंगल काटे जा रहे हैं और वहाँ मनुष्यों की बस्ती बसाई जा रही है, जंगलों का अतिक्रमण हो रहा है, उसे ले देकर ही फिल्म है। फिल्म में एक बहुत ही बड़ी समस्या उठाई जाएगी और जानवरों का पक्ष रखा जाएगा। जी हाँ, जानवरों का, इंसानों का पक्ष तो हर बार कई फिल्मों में रखा गया है, लेकिन ये पहली फिल्म होगी जहाँ जानवरों के दर्द को बताया जाएगा। तो ये रहा फिल्म का सारांश। लेकिन अब देरी क्यों हो रही है, लोग ये जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि फिल्म में VFX का इस्तेमाल होगा। अब आप ये जानना चाहते होंगे VFX क्या है, हम ये कहेंगे विजुअल इफेक्ट। अब आप इसके बारे में भी जानना चाहते होंगे, अगर आपने बाहुबली और कृष जैसी महंगी बजट की फिल्में देखी होगी तो आपने वहां देखा होगा कि फिल्म में बहुत ही बेहतरीन दृश्यों का यूज किया गया है, बहुत ही बेहतरीन दृश्य दिखाए गए हैं, और तो और जो देखने में बहुत ही रियल लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दृश्य नकली होते हैं। इसे विजुअल इफेक्ट द्वारा ही यानी कि विजुअल इफेक्ट टेक्नोलॉजी द्वारा ही रियल बनाया जाता है और ऐसा लगता है कि जो आप पर्दे पर देख रहे हैं हूबहू ये हो रहा है। और ये सब कुछ कमाल होता है विजुअल इफेक्ट यानी VFX का। और ठीक उसी टेक्निक का इस्तेमाल होगा पहली बार भोजपुरी फिल्म गबरू में। जी हाँ, और इसी तरह से उसे काफी रियल बनाया जाएगा और बस देरी यही हो रही है। अमूमन हॉलीवुड, बॉलीवुड और यहाँ तक कि अब हर पौराणिक सीरियल में उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए VFX का इस्तेमाल हो रहा है और अब भोजपुरी फिल्म में भी फिल्म गबरू में इसका इस्तेमाल होगा ताकि जो आपको पर्दे पर शेर दिखे वो रियल लगे, वो आपको रियल लगे। ऐसा न लगे कि आपने अपना इतना कीमती समय और पैसे ऐसे ही वेस्ट कर दिए किसी फिल्म पे। फिल्म बेहतरीन बने ताकि आप जब भी किसी अच्छी फिल्म को दिखाने की बात हो भोजपुरी में तो गबरू पहले दिखाएं। और ये सारी जिम्मेदारी इस फिल्म के मेकर्स की है क्योंकि उन्होंने दर्शकों को वादा किया है कि वो गबरू देख के निराश नहीं होंगे। और अब जब इतना बड़ा वादा दर्शकों के लिए किया गया है तो उन्हें पूरा करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यहाँ कहावत एक फिट बैठती है, देर आए पर दुरुस्त आए, यानी कि गबरू जब भी आए भले ही देरी से आए लेकिन इतनी बेहतरीन फिल्म आए भोजपुरी इंडस्ट्री में कि देखने के बाद ये लगे कि आप भोजपुरी फिल्म नहीं कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। सो गाइस, अब आपको कोई भी पूछे गबरू के बारे में या आपके मन में कोई भी शंका हो गबरू को लेकर तो अब उसे हटा दीजिए क्योंकि फिल्म गबरू 2020 तक हो सकता है मार्च या अप्रैल के महीने में रिलीज भी हो। और इस फिल्म से रिलेटेड हर जानकारी हम आपको हमेशा इसी तरह से देते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।